मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एनजीओ प्लास्टिक की जा चुकी है, एक स्टंट उन्हें लगाया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका। पिंटू सिंह, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए आशीष, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबियत का नाता खींच के और उनके सीने में दर्द हुआ था, उसके बाद वो जांच करवाने तो जांच सेंटर पर, और वहां पर जो उनके एक नेट में जिस प्रकार का एक ब्लॉकेज आया था नंबर पेज, उसके बाद में डॉक्टर्स ने सलाह दी कि उनके एनजीओ प्लास्टिक की जाएगी, और तुरंत प्रभाव से वो एसएमएस अस्पताल में एडमिट हुए और डॉक्टरों की टीम ने तुरंत प्रभाव से उनकी जो एनजीओ प्लास्टिक की और एक स्टंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे डाला गया है। और अब तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंच रहे हैं। वैभव गहलोत जो आरसी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, वो भी अभी यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं, और पहले से ही उनकी पत्नी सुनीता गहलोत जैसे अशोक गहलोत थी वो यहाँ पर मौजूद थी, उनके साथ यहाँ पर पहुंची थी। अब वैभव गहलोत यहाँ पर अपने पिता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं। वैभव गहलोत लगातार जोधपुर में पंचायती राज चुनाव में व्यस्त थे और अभी वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो कहीं विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंच रहे हैं। और सफल कहीं ना कहीं एनजीओ प्लास्टिक यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं दो दिन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहाँ पर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आईसीयू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस में रहेंगे, और क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी कि जो पोस्ट कोविड संबंधित जो समस्याएं वो उनको यहाँ पर हो रही है, क्योंकि कल से पुणे में थोड़ी तकलीफ थी और पोस्ट कोविड का ये पूरा कारण बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले कोरोना हुआ था और उसी के कारण अब जो पोस्ट कोविड की जो समस्याएं हैं वो सामने आई है, और उसी को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यहाँ पर एंजियोप्लास्टी की गई है, स्टंट डाला गया है। और ये जानकारी जो पीसीसी चीफ है और मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने जानकारी ये दी है। तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं कर रहे हैं। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर भी एक मैसेज देने की कोशिश की कि जिस प्रकार से प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहीं ना कहीं जो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार यहाँ पर कर रहे हैं, और वास्तव में एसएमएस अस्पताल की पहचान जो कहीं ना कहीं बनी है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर एडमिट हुए, अपना इलाज यहाँ पर करवाया। एक कहीं ना कहीं एसएमएस अस्पताल में भी एक भरोसा प्रदेश की जनता का बनेगा जो लगातार बरकरार है, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है आशीष की कई बार जो बड़े लोग होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, वो अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, निजी हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ वो भी एक यहाँ पर एक मैसेज भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर देने की कोशिश की, और साथ ही अपना इलाज यहाँ पर करवाया, और उन्होंने ट्वीट करके भी ये कहा कि मैं पूरी तरह से जल्द ही स्वस्थ होकर आप सब लोगों के बीच में लौटूंगा और आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से मैं शीघ्र स्वस्थ होकर आप सबके बीच में आऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल तकलीफ हुई और तुरंत प्रभाव से आज वो जांच करवाने पहुंचे और डॉक्टरों की सलाह पर तुरंत प्रभाव से अस्पताल में वो आकर यहाँ पर भर्ती हुए, और डॉक्टरों की टीम ने जो वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम है उन्होंने एंजियोप्लास्टी की, और अब वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वस्थ बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टर की माने तो दो दिन तक वही यही आईसीयू में डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। जी जी बिल्कुल पिंटू सिंह, जिस प्रकार से स्टंट डाला गया है और उसके बाद सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्यमंत्री को, और दो दिन तक अब एसएमएस में रहने की बात सामने आ रही है, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, हालांकि क्योंकि प्रदेश का बड़ा अस्पताल है, बड़ी तादाद में लोग दूर दूर से यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, लेकिन किसी प्रकार से आम आदमी को यहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़े उस चीज का भी पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। कि कोई कई बार होता है कि मुख्यमंत्री के चलते ऐसा नहीं हो कि दूसरे लोगों के इलाज में प्रभावित हो, क्योंकि लोगों की जान से जुड़ी हुई चीजें होती है, लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते यहाँ पर पहुंचे, ऐसी स्थिति में लोग आमजन को यहाँ पर परेशानी नहीं हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। कि जो तमाम जो लोग आ रहे हैं उनका भी यहाँ पर पूरी तरीके से एक रूटीन जो सिस्टम होता था उसी के तहत इलाज किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सुरक्षा दृष्टि की बात की जा रही थी, क्योंकि काफी वीआईपी लोग यहाँ पर, क्योंकि मुख्य सचिव भी यहाँ पर मिलने पहुंचे, तमाम मंत्री भी यहाँ पर मिलने पहुंच रहे, तो बड़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, पूरी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा रहती है कि किसी भी प्रकार से कोई आदमी परेशान नहीं हो, दुखी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में एसएमएस अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों का भी जो इलाज है वो भी प्रभावित नहीं हो, उसका भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, दोहरी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने है, क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज होने की खबर मिलने के बाद ही लोगों का एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचना शुरू हो गया, उस भीड़ को भी कंट्रोल करना है, साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि आम आदमी इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच रहा है तो उसको कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े, ये दोहरी चुनौती जरूर पुलिस के सामने है।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनके एंजियोप्लास्टी की गई है, स्टंट डाला गया है और अब फिलहाल तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। हालांकि 2 दिन SMS में चिकित्सकों के ऑब्जर्वेशन में मुख्यमंत्री को रखा जाएगा, तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं।